नमस्कार दोस्तों, पब्लिक वांटेड चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियोस में हम लोग सीखेंगे अपने कंप्यूटर और अपने कीबोर्ड को मीडी कनेक्शन कैसे करें और प्ले करें। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको मोबाइल में मीडी कनेक्शन करना सिखाया था और बजाना सिखाया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियोज में मैं कंप्यूटर से मीडी कनेक्शन करना सिखाऊंगा, जो कि पिछले कई वीडियोज से मैं ऐसे ही करते आ रहा हूँ और आप लोग सुनते हैं और काफी मजा लेते हैं और आनंदित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको मीडी कनेक्शन करके दिखाऊंगा अभी लाइव प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह का एक यूएसबी केबल लेना जरूरी है, जो कि पिछले वीडियोस में भी मैंने इस चीज के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, ये है ए मेल टू बी मेल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ए मेल को आप अपने कीबोर्ड पे लगा दीजिए इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर यूएसबी यहाँ पर जो मीडी केबल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसको लगा दीजिए ए मेल को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ए मेल को यहाँ पर लगा दीजिए और बी मेल जो है वो अपने लैपटॉप की यूएसबी जहां पर लगाते हैं वहां पर उसको लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह तो मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए मैंने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको दो इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, एक तो अपने कीबोर्ड पे सबसे पहले फंक्शन की पे जाइए और लोकल सेटिंग जो है उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि इसका रियल साउंड जो है वो ऑफ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इसको पहले ऑफ कर लेता हूं और यहां पर जो टच रिस्पॉन्स सेटिंग है उसको भी आप ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस करके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं फंक्शन की पे जाता हूँ। ये देखिए फंक्शन की पे मैंने यहाँ पर प्रेस करके लोकल सेटिंग जो है उसको पहले मैं ऑफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए लोकल सेटिंग मुझे मिल गया है और मैंने इसको ऑफ कर लिया। और दोस्तों जो यहाँ पर टच रिस्पांस है उसको भी आपको ऑफ कर देना है, ताकि धीरे दबाने से धीरे प्रेस करता है और जोर से दबाने से जोर से आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज आपका अच्छा रहेगा, तो या फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हो, उसे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया। उसके बाद दूसरा सेटिंग आपको करना है, अपने कंप्यूटर में जाके यहाँ पर ऑप्शन में चले जाना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में जाके ये FL Studio सॉफ्टवेयर है दोस्तों, दूसरा सॉफ्टवेयर का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त ने इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो FL Studio के साथ इस तरह आप कनेक्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में आइए, पहला सेटिंग जो आपने यहाँ पर लोकल सेटिंग ऑफ कर दिया, दूसरा सेटिंग आपको यहाँ पर FL Studio ओपन करके आपको ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शन में जाके यहाँ पर एक मीडी सेटिंग है, मीडी सेटिंग में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अपना कीबोर्ड का नाम क्या है। मेरा कीबोर्ड का नाम केसियो है, तो केसियो यहाँ पर आपको नजर आएगा, केसियो यूएसबी मीडी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका कीबोर्ड जो भी है, रोलैंड है या केसियो है या जो भी ब्रांड का है, आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, तो उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एक इनेबल का ऑप्शन है, इनेबल कर देना है। ठीक है, आपका जो केसियो है या रोलैंड है, जो भी है मॉडल, वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे इनेबल का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद ये कीबोर्ड और लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टूल्स दिया हुआ है, इस टूल्स पे क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्ले करेंगे वहां बजना शुरू हो जाएगा और आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मैंने ले लिया। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ प्ले करूंगा और वहां बजेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह। देखिए दोस्तों प्ले हो रहा है ना, यहाँ प्रेस कर रहा हूं तो वहां का साउंड अभी यहाँ प्ले हो रहा है। अभी इस कीबोर्ड का साउंड रियल साउंड नहीं है, उसका रियल साउंड है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर में जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, उसका साउंड अभी यहाँ पर प्ले हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए।
आपने देख लिया कि मैंने कैसे मीडी कनेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बीच बीच में मैंने आपको बेसिक्स टिप्स मैं बहुत सारे देते रहूंगा। बीच बीच में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाले हर वीडियो आपको मिल जाए और आप मिस नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियोज में किसी और ऐसे गानों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।